हेलो, वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। आज 31 मार्च 2022 को शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि लाखों छात्रों को इंतजार था, जो बीएड पास है व अन्य यहाँ पर योग्यता रखते हैं, उन सभी को इंतजार था कि शिक्षक भर्ती आखिर में कब आएगी। तो ऐसे में शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और सबसे बड़ी यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रही है। इंतजार था कि नई सरकार का गठन हो जाए ताकि जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो सकें। तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही यहां पर घोषणा हुई थी कि अब जितने भी विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती क्यों या अन्य, सभी को एक एक करके यहां पर विज्ञापन जो है रिक्त पदों का जारी किया जाएगा। और इसी क्रम में बड़ी अपडेट आई है, अपडेट निकल कर आ रही है एडेड स्कूलों में। जी हाँ, एडेड स्कूलों में 7000 शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर घोषणा की गई है, क्योंकि प्रदेश के 26000 यहाँ पर प्रदेश में 26000 के आसपास पद यहाँ पर रिक्त बताए जा रहे हैं, जिसमें से 15000 सहायक अध्यापकों की जो भर्ती है वो 2021 में की गई है। अब 2022 में 7000 और शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती की जाएगी। साथ में यहाँ पर हम बात को बता दें कि 2000 प्रधानाचार्यों के भर्ती भी की जा सकती है, जिसके लिए यहाँ पर खाली पदों का जो ब्यौरा है, रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो यहाँ पर मांगा गया है। और एडेड कॉलेजों में जो भर्ती की तैयारी हुई है वहां पर जो रिक्त पदों का ब्यौरा अभी तक जो जुटाया जा चुका है वो लगभग 7000 के आसपास हो गया है। उम्मीद है कि इससे ज्यादा भी यहां पर पद बढ़ सकते हैं, अगर बढ़ेंगे तो उनको भी यहां पर जोड़ा जाएगा। फिलहाल यहां पर प्रस्ताव जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। लगभग 7000 पदों पर भर्ती करने की लगभग जो तैयारी है वहां पर की जा चुकी है। इसमें से 2000 के आसपास जो पद है वो प्रधानाचार्य के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य के मिलाकर पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा एडेड विद्यालयों में। तो जैसे इसकी आधिकारिक विज्ञापन जारी होते हैं, कैसे आवेदन करना है, क्या योग्यता होगी, वो सभी जानकारी हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से दे देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।